सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, क्या रुक जाएगी न्याय द जस्टिस की स्ट्रीमिंग, आखिर क्या होने वाला है आगे। हे गाइस, मैं हुदावी और आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से अलविदा कहे कई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सुशांत सिंह मामले को लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल बने हुए हैं कि आखिर सुशांत के साथ हुआ क्या था। सुशांत को लेकर अभी भी कोई भी क्लियरिटी उनके फैंस को नहीं मिली है और ना ही फैमिली मेम्बर्स को। फिर यही तो वजह है कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी जिसको लेकर अब काफी बवाल चल रहा है। खुद सुशांत सिंह के पिता ने इस फिल्म की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। वेल, क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं आज की इस खास रिपोर्ट में। वेल, दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस अभी भी इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं। वेल, यही तो वजह है कि वो सोशल मीडिया पर आज भी कई इमोशनल पोस्ट करते नजर आते हैं। वेल, जहां सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ पर ये फिल्म बन चुकी है न्याय द जस्टिस, तो वहीं सुशांत सिंह के पिता को ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सुशांत सिंह के पापा कृष्ण किशोर सिंह इस फिल्म को लेकर इसके पूरी तरह से खिलाफ है, जिसके चलते उन्होंने एक बार फिर से दिल्ली हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। वेल, बात करें सुशांत सिंह के ऊपर बनी फिल्म की, तो इसी साल के जुलाई महीने में दिल्ली के उच्च न्यायालय में न्याय द जस्टिस नाम फिल्म के आगे प्रसारण पर रोक लगाने के लिए इनकार कर दिया गया था। ये फिल्म सुशांत सिंह के राजपूत के जीवन पर आधारित थी। वहीं अगस्त के महीने में सुशांत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने फिल्म की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की थी, मगर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए 12 फरवरी 2024 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है। वेल, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुशांत के ऊपर बनी फिल्म न्याय द जस्टिस के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत के पिता की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट अगले साल 12 फरवरी को सुनवाई करेगी। वेल, इस मामले पे तो सुनवाई होने वाली है फरवरी में, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के पापा ने ये याचिका क्यों दायर की, आइए आपको बताते हैं आज के इस खास रिपोर्ट में। वह सुशांत सिंह के पिता कृष्ण किशोर सिंह का आरोप है कि फिल्म के मेकर्स उनके मृत बेटे के जीवन का अनुचित व्यवसायिक लाभ उठा रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने अदालत का रुख किया था। वह जिसके बाद अगस्त में कई लोगों के खिलाफ नोटिस भी जारी की गई थी। न्याय द जस्टिस की बात करें तो ये फिल्म सुशांत के दुनिया को अलविदा कहने के एक साल बाद यानी साल 2021 में ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज की गई थी। हालांकि इस साल जुलाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने ये कहते हुए फिल्म की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के व्यक्तित्व और गोपनीयता के अधिकार 2020 में उनकी मृत्यु के साथ ही समाप्त हो गए थे। साथ ही आक्षेपित फिल्म में शामिल और दिखाई गई जानकारी पूरी तरह से मीडिया में दिखाई गई वस्तुओं से ली गई है और इसलिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का गठन करती है। उसके आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि फिल्म बनाने में सुशांत सिंह के किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया गया है, उनके पिता के तो बिल्कुल भी नहीं। वेल, इस तरह से भाई ये साफ हो गया है कि सुशांत सिंह के किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स की जानकारी के मुताबिक ही चीजें इस फिल्म में इस्तेमाल की गई हैं। लेकिन सुशांत के पिता अभी भी इस पर हाईकोर्ट के पास गुहार लगाने पहुंचे हैं। वेल, अब ये देखना होगा कि साल 2024 के फरवरी में जब इस पर सुनवाई की जाएगी तो क्या जवाब आने वाला है। क्या लगता है आपको, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके बताना ना भूलें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते हैं फर्स्ट इंडिया फिल्मी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।